हेलो सेवेंथ क्लास, तुमने पहले संस्कृत का पार्ट ए कर लिया जिसका नाम है सुभाषित ताने। ठीक है, ये पूरा हो गया था। अब हम देख रहे हैं आज पार्ट दो जिसका नाम क्या है, दुर्बुद्धि ही विनश्यति। दुर्बुद्धि मतलब दुष्ट बुद्धि वाला और विनश्यति मतलब नष्ट होता है। तो दुर्बुद्धि ही विनश्यति मतलब दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट होता है। ठीक है, और आपके इस पार्ट में बहुत सारे शब्दार्थ आए हैं, तो काफ़ी शब्दार्थ तो बहुत इजी हैं जो आपने पिछली क्लास में भी देखे हैं। तो जो मुझे लगे कि ये कठिन शब्दार्थ हो सकते हैं वो शब्दार्थ मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, तो आपको भी अपनी नोटबुक में ये शब्दार्थ ही करने हैं। ओके, तो ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। देखते हैं हम शब्दार्थ। सरह मतलब सरोवर, हंसव दो हंस, तयोः उन दोनों का, खुरम है कछुआ, अथ मतलब इसके बाद, दीवराः मछुआरे, स्वह स्वह मतलब आने वाला कल, यद मतलब जो, मैवम मतलब ऐसा नहीं, हृदयम मतलब झील में, कच्छपः मतलब कछुआ, काष्ठदंडम लकड़ी का डंडा, चंचवा मतलब चोंच में, अवलंब्य लटक कर, पक्ष बलेन पक्षों के बल से, मरणम मृत्यु, लंबमानम लटकते हुए, पौराह नागरिकों ने, अधावन दौड़े, हंहो मतलब अहो, निपतति मतलब नीचे गिर जाता है, पक्तवा मतलब पकाकर, अपरह दूसरा, दग्धवा भुनकर या जलाकर, नितवा ले जाकर, भस्म राग, हित का मानाम मतलब हितैषी, सुहृदाम सुहृदाम मतलब मित्रों के, नाभिनंदति मतलब प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता, भ्रष्टो गिरा हुआ, और लास्ट विनश्यति नष्ट हो जाता है। तो ये आपके पार्ट दो के शब्दार्थ हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। तो अब हम पाठ पढ़ेंगे बुक में, दुर्बुद्धि विनश्यति। यह एक कहानी है जिससे आपको भी शिक्षा लेने को शिक्षा मिलेगी। तो अच्छे से पाठ पढ़ेंगे हम, तो ये आप वह कर लें। अब हम करते हैं पाठ शुरू।